है, अब इसको निकालते हैं जरा। देखा जिसके घर में अगर वो नहीं है ना ओवन, वो ऐसे भी बना सकता है, कितना मजे का पिज्जा बना। आप अभी है ना सुबह का टाइम हो रहा है, मैं जोहर के लिए नाश्ता बनाने जा रही हूँ। हाँ, और मैंने मशीन लगाई थी, कपड़े धो लिए, बस सफाई रह गई है, सफाई करने वाली है। ब्लैंकेट बहुत सॉफ्ट है। चले जोहर के लिए नाश्ता बना रही हूँ, लाइट चली गई है अभी यहाँ पे। अपना ये ना इमरजेंसी ये है ना मेरा लाइट, इसको ऑन करते हैं। ये देखें यहाँ पे जोहर के नगेट्स बन रहे हैं, और यहाँ पे मैंने केचप निकाल लिया है। पहले जोहर को नाश्ता करवाऊँगी, फिर उसके बाद अपना नाश्ता बनाऊँगी मैं। और यहाँ पे जो है ना मैंने एक बनाना भी निकाला है जोहर के लिए, मैंने कहा इसका नाश्ता हो जाएगा। ये चार नगेट्स हैं पाँच, और जोहर का ये हो जाएगा बनाना। तो जोहर का तो नाश्ता हो जाएगा रेडी, अभी मैं अपना नाश्ता बनाऊँगी। और शाम में जो है ना प्रोग्राम मेरा है इंशाल्लाह पिज़्ज़ा बनाने का, तवा पिज़्ज़ा बनाऊँगी आपके साथ। पूरी रेसिपी ना उसकी शेयर करूँगी, क्योंकि जोहर की फरमाइश है। तो मैंने कहा तकरीबन मेरे फ्रिज में सारा सामान तो है। हाँ ये देखें, हाँ सारे ऑलिव्स वगैरह ये सब तो पड़े हुए हैं मेरे पास ना, ब्लैक भी है, ये देखें ये सब तो है। और सारे सॉसेस भी पड़े हुए हैं, हाँ ये पिज़्ज़ा सॉस भी पड़ा हुआ, ये देखें पिज़्ज़ा सॉस, तकरीबन सारे सॉसेस पड़े हुए हैं घर में। और आई थिंक चीज़ भी है मेरे ख्याल में ना, इधर चीज़ भी रखी हुई है, हाँ चेडर चीज़ भी है, ये थोड़ी बहुत कम होगी तो वो मैं, और ये स्लाइस चीज़ है, थोड़ी सी चेडर मैं मंगवा लूँगी, थोड़ी बहुत कम है ना वो मैं मंगवा लूँगी बस, बाकी तकरीबन सारा सामान है। तो बस जल्दी से जोहा को नाश्ता करवाते हैं, फिर अपने थोड़ी सी सफाई करेंगे, उसके बाद जो है ना थोड़े से कपड़े भी और रहते हैं उनको फैलाती हूँ, उसके बाद जो है अपने शाम के पकाने की तैयारी करेंगे। यहाँ पे जोहा के मैंने ये बनाना भी काट दिए, और ये मैंने यहाँ पे नगेट्स बना दिए, जो एक नगेट मुझे टूट गया था छोटा सा, उसके दो टुकड़े हो गए थे बीच में से, फ्रीज का हो गया था ना तो निकालने में थोड़ा टूट गया। ये नगेट्स जोहा के यहाँ पे बन गए, ये जोहा का नाश्ता हो गया रेडी अल्हम्दुलिल्लाह। चल चूल्हा कर देते हैं बंद, बच्चे खा लेते ना बड़ा सुकून हो जाता है। जो हैप्पी उठ जाइए, देखिए मम्मा कितने यम्मी यम्मी नाश्ता लेकर आई है अपने बेटे के लिए। कंबल छोड़िए बेटा, कंबल साइड पे रख दीजिए मम्मा की जान। अस्सलाम तो कल दो छपको, और ये देखें जी ये बनाना भी मम्मा काट के लाई है, ठीक है, और ये मम्मा नगेट्स भी ले आई है, ठीक है जी। और आज आपकी फेवरेट डिश बना रही हूँ क्या, पिज्जा। ये जोहर की फरमाइश है, मेरे काफी टाइम से मेरे पीछे लगी हुई है। कौन है? पापा होंगे बेटा, पापा होंगे, आप खाओ, मम्मा खोल के आ रही। कौन है? अच्छा जी, खा लिया, बनाना फिनिश कर लिया। मम्मा बनाना तो बहुत ही अमीर है, लेकिन ये बहुत गर्म हो रहा है, प्लीज मुझे तोड़ के दे दो। अच्छा मैं तोड़ के दे, बनाना खा लिया, यमी था बनाना जी। चलो अभी ये खा लो, मम्मा भी ये खुशखबरी, मेरे साथ एक प्रैंक हो गया, ये प्रैंक हो गया। मम्मा तोड़ के दे रही है, आप खाओ, फिर मम्मा पापा के लिए भी जल्दी से नाश्ता बना रही है, फिर चलेंगे थोड़ा मार्केट ना, सामान लेके आना थोड़ा सा, आपके पिज्जे का थोड़ा सा सामान लेके आना। सीन हो गया ये जो बताने ना केचप में आ गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा होता है, कोई बात नहीं। मैंने जोहा को नहला दिया है, अब मैं जोहा को इसके बाल गीले हो रहे सारे सुलझाती हूँ, वरना ना बहुत उलझ जाएंगे, सुलझेंगे भी नहीं। चलो मैं बेटे के बाल जल्दी जल्दी सुलझा दूँ, फिर चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना, सामान लेके आते हैं पिज्जे का, फिर आके बेडशीट चेंज करेंगे, सफाइयाँ करेंगे सारी, ठीक है। आपका छोटा मिनी पिज्ज़ा बनाऊँगी, ठीक है जोहा पी। हाँ जी, हाँ मैं अपने और पापा के लिए बड़ा बनाऊँगी, तर देखो, और आपके लिए छोटा सा, छोटा सा, ठीक है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करती हूँ सब खैर वाफियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआओं से, मोहब्बत से और प्यार से। और अभी मैं भी नहाकर आ गई हूँ, जोहा को भी मैंने नहला दिया है, और आज जो है ना घर में बन रहा है गरम गरम हमारा पिज़्ज़ा। नाश्ते से तो हम लोग फारिग हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, और माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा घर भी बनना स्टार्ट हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, घर का काम शुरू हो गया है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह 15 से 17 दिन में मेरा जो घर है ना वो बन के रेडी हो जाएगा, मतलब इतना हो जाएगा, एक कमरा तो मेरा ऑलमोस्ट डन हो जाएगा, एक कमरा और सहन तक के मैं वहाँ जाके बैठ जाऊँ, और मैं अपना किराए के घर से जान छुड़ाऊँ, शुक्र है अल्लाह का। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अब जो 20 तारीख आ गई है, मैं हमेशा 20 तारीख को ना अपना किराया देती हूँ, हमेशा मेरा जो हमारा हम लोग इस घर में ना 20 तारीख को शिफ्ट हुए थे, 20 के 20 हमारा मंथली ना हिसाब चलता है। तो हमने अपने मालिक बना को कह दिया कि अब हम 20 तारीख को किराया नहीं देंगे, हम लोग घर छोड़ रहे हैं, हम लोगों ने अपना घर ले लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये घर ना बहुत रास आया है। कहते हैं ना कोई ज़मीन बहुत अच्छी होती है जो आपके लिए लकी होती है,
जैसे मेरी अम्मी का एक घर था एक साइड वाला हिस्सा ना, वो इतना लकी था, वो जो भी रेंट पे रहने आता था ना उसका अपना घर ही, मतलब 2 साल में 4 साल में 5 साल में उसका हमेशा अपना घर होता था। तो इस तरह से ना मुझे भी इस घर में आई थिंक 3 साल हो गए। तो वो मुझे ये जो ज़मीन है ना मुझे बहुत रास आई है। कहते हैं ना कोई कोई ज़मीन अच्छी होती है आपको रास आती है, तो इस ये ज़मीन मुझे बहुत रास आई है। इस ज़मीन से ना मैं जब यहाँ पे आई हूँ तो मैंने अपना घर ले लिया, शुक्र है अल्लाह का। अल्लाह पाक हमारे मालिक पकानी बहुत अच्छे हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत और ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। और क्योंकि हमने कभी उनको किराए में तंग नहीं किया तो उन्होंने मैं वैसे कभी तंग नहीं किया। जैसे होते ना मालिक पकान कहते हैं घर खाली करो और ये नहीं करो, तो ऐसा कभी ऐसे। और ये जोहा भी देखें यहाँ पे, इसको भी मैंने बाल इसके ब्रश कर दिए पूरे बाल, अभी मैंने इसका पाउडर भी लगा दिया, क्रीम भी लगा दी है मैंने इसको, बस बाल सूख गए तो मैं इसके बांधती हूँ। अभी हम जाएंगे थोड़ा सुपर मार्ट जाते हैं, वहाँ से जो है ना आराम से वहाँ से जो है ना हम लोग थोड़ा सा चीज़ और चिकन वगैरह लेते हैं। और मुझे ईस्ट लेना है आटा गूंदने के लिए, तो मैं कैसे बनाती हूँ घर में बहुत आसानी से बन जाता है पिज़्ज़ा, उसकी पूरी रेसिपी शेयर करूँगी आपके साथ। और बस यही अभी चलते हैं, उनके यहाँ पापा गए हुए बाइक लेने ना, उनके बाइक का जो है टायर पीछे ना मडघाट वो गिर रहा था, तो उन्होंने सुबह से वो दी भी थी सही करवाने के लिए, तो अभी वही लेने गए। तो मैं कहा जब तक वो आते हैं तो मैं और जोहा मैंने कहा नहाके रेडी होते हैं, और हमारी लाइट भी नहीं है, अंधेरा बहुत हो रहा है। जी बेटा एक मिनट, ये देखें हमारी जो है ना लाइट नहीं है, जब तक मैंने कहा हम मार्केट से आएंगे ना हमारी लाइट भी जब तक आ चुकी होगी। तो बस अब निकलते हैं हम मार्केट के लिए, मार्केट से थोड़ा सामान लेते हैं फिर आते हैं फिर घर में जल्दी से ना। मैंने कल जो है ना कल का मेरा व्लॉग बहुत लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने कल के व्लॉग में ना अपनी बेडशीट नहीं चेंज की थी। और अभी आते ही ना पहले मार्केट से आऊँ, आते ही पहले मैं अपनी बेडशीट ये वाली चेंज करूँगी, कौन सी बिछाऊंगी वो मैं आपको साथ शेयर करूँगी, और सफाई करनी है और फिर किचन में लगना है। बस कल ले रही हूँ बोनलेस, यहाँ पे रखा हुआ है बोनलेस किचन ना बना के, ले रही हूँ पहले मैं। जी बेटा जी कोको, हाँ कोको अंदर बैठी हुई है सारी सारी कोको, और वहाँ पे हस्बैंड चप्पल ले रहे हैं मेरी, यहाँ से चप्पल मेरी टूट गई थी तो ये वाली कौन सी ली है नी? ये वाली साइज निकलवाया सही है, साइज ला रहे हैं ठीक है, तो 8 नंबर नहीं नहीं 8 नंबर तो नहीं आएगा आपको, 6 या 7। हाँ 6 या 7 आएगा, वो टमाटर भी निशान वाले हैं साफ सुथरे नहीं है। एक पाव एक पाव लहसुन एक पाव अदरक, पानी गिर रहा है। यहाँ पे शहीद पर आ गए, चलो क्या क्या लेना है नी? आपने अपना फ्रूट ले लिया है, चलो आ जाओ, ले लिया चले आ जाओ, सामान भी लेना है अभी आ जाओ, चलो 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 आ गए शुक्र है अल्लाह का। और सामान लेकर आ गई हूँ मैं सारा, अब जल्दी से पहले सफाइयों में लगती हूँ फिर काम निपटाती हूँ सारा, क्या चलाएंगे वो दिखाती हूँ, पहले जोहा की धड़कन दिखाती हूँ आपको मैं। तो मैंने बलून जला दिया था, जब से बजा रही हूँ बस बज गया है। अच्छा ये भाई टमाटर कैसे महंगे हो रहे हैं, 250 रुपये किलो। मैं थोड़े से प्यारी प्यारी से देख के लाई हूँ, सख्त सख्त के काफ़ी टाइम चले, लाल लाई हूँ थोड़े से ऐसे लाई हूँ सख्त के, थोड़ा अगर टाइम जैसे एक हफ्ता में चल जाए। और ये मैं अपनी चप्पल टूट गई थी ना, तो मैं ये अपने हस्बैंड की चप्पल पहन के फिर रही थी, तो मैं ये चप्पल लेकर आई हूँ अपने लिए, अच्छी लग रही है ये चप्पल लोहा मम्मा की, आपकी तो है ना बेटा घर में पहनने वाली। हाँ जी ये देखो ये मेरी चप्पल है, ये चप्पल मैं लाई हूँ अपने लिए, ये वाली घर में पहने किचन विचन में काम करने के लिए। और बाकी छोड़ दो लोहा, ये मैं लाई हूँ ईस्ट पिज्जे के लिए, और ये लाई हूँ मैं मोज़रेला, क्योंकि चेडर चीज पड़ी है मेरे पास, मैं सिर्फ ये ले आई हूँ मोज़रेला। आ जाओ भाई मोज़रेला निकल जाओ, कहाँ हो तुम, ये देखिए मोज़रेला चीज़ मैं ले आई हूँ, साथ में मैदा लाई हूँ, मैदा और अदरक लहसुन मेरा ख़त्म हुआ था, मुझे वो पेस्ट बनाना था वो लेकर आई हूँ साथ में। और ये चिकन लाई हूँ बोनलेस, इसके मैंने छोटी छोटी बोटियाँ करवा ली हैं, अब इन सब चीज़ों को संभालती हूँ। और थोड़ा सा ये किचन में मेरे बर्तन पड़े हुए हैं इसको धोती हूँ पहले, मैं ना बेडशीट उतार रही हूँ मैं भी, ये वाली बिस्मिल्लाह
ये उतर जाएगी बेडशीट। अब दूसरी बेडशीट बिछाते हैं इधर, इसको रखते हैं इधर। मैंने बेडशीट तो कर ली चेंज, अब मैं बिछा अपने लगा रही हूँ। ये मैंने इस तरह से ना अपने अस्तर चढ़ा लिए और अभी तो काम बहुत है, फिर मैं इनको इस पर ना मैं हल्का सा सीधे दूँ ताकि ना ये बाहर ना आए। ये बहुत ज़बरदस्त है ना, चढ़ जाते हैं, उतरते नहीं, हिलते जुलते नहीं। आज मैंने अभी दिखाती हूँ किस कलर की मैंने बेडशीट चढ़ाई। मेरा फेवरेट कलर है ये, गंदा होकर ना पता भी नहीं चलता, ग्रे कलर। जल्दी से पहले इसको चढ़ा लेते हैं फटाफट से तकिए अपना, फिर सफाई करके फिर बनाते हैं, किचन में जाते हैं, फिर बनाते हैं यम्मी वाला पिज़्ज़ा। छोटे पिज़्ज़ा ही बनाऊँगी जोहा के लिए और बड़े भी बनाऊँगी। हाँ जी, के लिए मुझे शेयर करवाइएगा। हाँ बिल्कुल, आपको शेयर करवाऊंगी, आपके लिए छोटा भी बनाऊंगी बड़ा भी बनाऊंगी। ठीक है, ठीक है बेटा। चलो जी, ये देखिए जी, ये भी हमारा हो गया। अब इसको फटाफट से जो है ना इसको यहाँ लगा देते हैं थोड़ा सा। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ दूर करके, बेटा ये देखें जी, ये मैंने बिछा दिए। इसी मैंने ये वाली बेडशीट बिछाई है इस कलर की। ये देखें, ये मैंने बेडशीट बिछा दी है और साथ में मैंने कंबल भी दे करके लगा दिया है। सफाई हो चुकी है सारी मेरी और जोहा बेड पर खेलेगी। अब मैं जा रही हूँ अपने किचन में। सबसे पहले गूंथते हैं अपना आटा, अपने पिज्जे का डो बनाते हैं। जैसे पिज्जे का डो बनता है ना, वो जल्दी से बनाते हैं, आपके साथ शेयर करती हूँ। और थोड़े बदल से मिनटों में ये बर्तन भी निपटा। चलो जी, किचन में आने से पहले यहाँ पर मैंने सारे अपने कपड़े धो के सुखा दिए। ये देखें, ये मैंने अपने सारे कपड़े धो के सुखा दिए। कुछ उस कमरे में स्लाइड पे जोहा के सूख रहे क्योंकि रस्सियाँ यहाँ पे कम है ना, बस जितनी रस्सियाँ थी आज मैंने सिर्फ अपने और जोहा के धोए बस, क्योंकि रस्सियाँ घर में कम हैं। और यहाँ पे मैं बर्तन वगैरह सब धो चुकी हूँ। अब मैं बनाने लगी हूँ डो। निकाल लिया है मैंने, इसको निकालते हैं अपना मैदा जी। अब आ गए किचन में, अब करते हैं ज़रा झटपट सा काम, फटाफट फटाफट बनाते हैं अपना डो। और डो बनाने के लिए मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए मैं जल्दी जल्दी बताऊंगी आपको और आसान तरीके से बताऊंगी। आप लोगों ने सेम इसी तरह बनाना है। इसको गूंद के हम रख देंगे 1 से 2 घंटे के लिए, जब तक ये खमीर हो जाए। जैसे किसी कहते हैं खमीर हो जाएगा मतलब फूल जाएगा इसको, क्योंकि हम डालेंगे ना इसमें ये मैजिक वाला इंस्टेंट, ठीक है ना, ये डालेंगे ना इससे ये खमीर हो जाएगा। जल्दी से बनाते हैं फटाफट अपना डो, मज़े वाला पिज्ज़े वाला डो। यहाँ पर मैंने मैदा लिया है और आप लोगों को जितनी ज़रूरत है उतना ही लीजिएगा। मैंने यहाँ पे 2 कप के करीब मैदा लिया था, उसमें डालूंगी नमक और 1 चम्मच चीनी डालूंगी और इसमें मैं डालूंगी ईस्ट। ईस्ट इसे कहते हैं जिसे खमीर हो जाता है ना, ये आपको 15 या 20 रुपए का साशे किसी भी अच्छे से स्टोर से मिल जाएगा। ठीक है जी, अगर किसी के पास ये ना हो ना तो उसकी जगह आप दही भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप 2 से 3 चम्मच दही और ना बेकिंग सोडा भी यूज़ कर लें। मैंने बेकिंग सोडा नहीं डाला क्योंकि मैंने कहा ईस्ट डाल रही हूँ उसी से अच्छे खासा फूल जाता है, तो मैंने बेकिंग सोडा नहीं डाला, लेकिन आप इस पॉइंट पे बेकिंग सोडा भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से गूंद देना है जैसे हम आटा गूंदते हैं ना, तो पिज़्ज़े की डो भी बिल्कुल सेम इसी तरह ही आप लोग गूंद लें, ना ज़्यादा सॉफ्ट हो और ना ज़्यादा हार्ड हो। बस आप लोगों ने इस तरह गूंद के फिर आपने इसमें हल्का ऑयल लगा के ना इसको अपने हाथे की ना हथेलियों से इसको अच्छे से आपने गूंदना है, ताकि जितना अच्छा गूंदेंगे उतना ही सॉफ्ट होगा और उस इसकी डो होगी ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगी और अच्छी आप बनेगी। ठीक है, इस पॉइंट पे आपने ज़रा थोड़ा खास ख्याल रखना है। अब जब हमारा आटा गूंद गया है तो मैंने अपने बाउल में ना ग्रीस कर लिया है ऑयल से और अपने अब डो पे भी ऑयल लगा के इसको ढक के ना 1 घंटा आप छोड़ दें, किसी गर्म जगह पे रख दें, किसी भी कैबिनेट वगैरह में रख दें। अब मैंने वहाँ पर उसको रख दिया है अपने डो को, जब तक मैं यहाँ पे चिकन रेडी कर लूँगी पिज़्ज़े के लिए। पिज़्ज़े की फरमाइश बहुत आ रही थी, हस्बैंड भी कर रहे थे और जोहा भी कर रही थी, और जोहा की ज़िद थी कि आप अपने हाथ से बनाएं और मेरा अलग से छोटा बनाएं, तो मैंने कहा ठीक है। अब यहाँ पे मैं चिकन ले आई थी, मैंने बोनलेस चिकन लिया था, इसको मैंने ऑयल में सोटे कर लिया है। अब इसका जो पानी निकला उसे मैंने इसको गला लिया। अब इस पॉइंट पे जब इसका पानी थोड़ा थोड़ा है तो इस पॉइंट पे मैं अदरक लहसुन डालूंगी इसके अंदर और अदरक लहसुन के साथ इसको हम अच्छे से भून लेंगे ताकि हमारा इसका पानी भी खुशक हो जाए और हमारा चिकन तो वैसे भी गल चुका है क्योंकि मैंने इसको 7-8 मिनट इसके ही पानी में गला लिया था। तो ये मैं अच्छे से इसको भूनने के बाद अब इसे मैं देखें, ये है पपरिका पाउडर, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डालें, नहीं है तो ना डालें। 1/2 चम्मच मैंने कुटी हुई मिर्ची डाली है, नमक डाला है हसबे ज़रूरत, इसको अच्छे से मिक्स कर लें। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डाला, मैंने इसमें कुटी हुई मिर्ची डाली है, नमक डाला है और इसे मैंने ये सॉस है पेरी पेरी, ये भी ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डालें, नहीं है तो ना डालें।
ठीक है जी। ये दोनों चीज़ें मेरे पास अवेलेबल थी, इनका टेस्ट थोड़ा अच्छा आता है तो मैंने डाल दिया, अगर आपके पास नहीं है तो ना डालें। बस इसके बाद अब इसमें हम डालेंगे नींबू का रस, ये एक नींबू का रस है ये मैंने डाल दिया है। अब इसको थोड़ा सा अपने मसाले को भून लेंगे, इसके बाद ओरिगैनो डाल दें, ओरिगैनो है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसा भी बन जाएगा। ये नहीं कि कोई चीज़ नहीं है तो हमारा काम नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। जो चीज़ घर में है उससे बना सकते हैं आप लोग आसानी से। भाई बच्चों को बहलाना होता है और ऐसी नई नई चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। तो मैंने काफ़ी दिन हो गए थे जब मैं कुकिंग कर रही थी, तब तो मैं बनाती थी, लेकिन अब काफ़ी टाइम हो गया था तो मैंने नहीं बनाया था। तो मेरी बेटी अभी काफ़ी दिन से जिद कर रही है, मम्मा मुझे आइसक्रीम भी बना के दे। जो टैंक वगैरह होता है ना घर में, रू अफ्ज़ा वगैरह, मैं उसी से उसको बना के दे देती हूँ। तो ये ना बच्चे होते हैं बहल जाते हैं। अब यहाँ पे मैं मोज़रेला चीज़ है, सॉरी चेडर चीज़, नहीं नहीं आई थिंक ये मोज़रेला है, हाँ मोज़रेला चीज़ को मैं ना शेड कर रही हूँ उससे कद्दूकश से। और यहाँ पे मेरा ये जो है ना चिकन रेडी हो गया। अब मैंने यहाँ पे जो है ना अपने प्याज और अपनी वो शिमला मिर्ची और टमाटर के स्लाइस कुछ इस तरह काट के रखे हैं, मैंने इसी में मिक्स कर दिया। ये ऑप्शनल होता है, आप इसमें मिक्स कर दें, नहीं तो ऊपर से टॉपिंग करते हुए लगा दें, जिससे आपका दिल चाहे उस तरह कर लें। तो मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी मैंने सब इसी में डाल दिया था, सिर्फ टमाटर मैंने ऊपर से स्लाइस किए हुए रख दिया अलग। मैंने कहा वो बाद में जब मैं टॉपिंग पे लगाऊंगी ना पिज्जे पे तो मैं उस टाइम पे लगा दूंगी। अच्छा ये अभी ऑप्शनल होता है, आप हरा प्याज और जो सॉरी शिमला मिर्च और आपका प्याज ये उस टाइम भी यूज़ कर सकती हैं। ये देखें एक से डेढ़ घंटे बाद हमारा कितना ज़बरदस्त राइस हुआ है हमारा, देखें कितने इसमें जाल आ गए, बिल्कुल परफेक्ट। हमें इसी तरह से अपनी डो चाहिए थी। अब आप इसको अच्छे से मिक्स करें और इसकी सॉफ्टनेस देखिएगा किसी भी ज़बरदस्त हो गई है। ये देखें मैंने इसमें कोई बेकिंग सोडा नहीं डाला, उसके बावजूद ही देखें कितना ज़बरदस्त हमारा डो रेडी हुआ है। अच्छा आपको जितना अच्छा आपका डो होगा ना उतना अच्छा आपका पिज़्ज़ा बनेगा, ये जहन में रखिएगा, आपकी डो अच्छी होनी चाहिए। अब इस तरह मैंने पेड़ा बना लिया, जितना आपने बड़ा बनाना है जितना आपने रखना है उस साइज़ का आप पेड़ा ले लें और बस इसको बेलें। ये मैदे का मैंने थोड़ा खुशका लगा दिया इसके ऊपर, मैंने दो पिज़्ज़े बनाए थे, मैंने पेड़े तीन पिज़्ज़े के लिए थे लेकिन फिर मेरी चीज़ जो है ना दो पिज़्ज़े की थी तो मैंने फिर एक पेड़ा वापस रख दिया। मैंने कहा सुबह मैं जोहा को बना के दे दूँगी। तो यहाँ पे अपने हाथों से बड़े कर लें और फिर उसके बाद बेलन से, अच्छा मोटा पतला जितना आपको अच्छा लगे ना ये आपके ऊपर अपने ऊपर होता है, जितना बड़ा आपने रखा है जितना मोटा रखना है ये आप इस तरह रखें, ठीक है जी। अब मैं ये तवे पे बना रही हूँ, मैंने इस पे इसको हम बेक भी कर सकते हैं, अगर आपके पास ओवन नहीं है ना तो आप पतीले में ना स्टीम देके आप इसको पतीले में ना अंदर रख सकते हैं, छन्नी रख के ना, अगर वो हुआ ना पॉसिबिलिटी तो फिर मैं आपको वो भी तरीका बताऊँगी कि आप ना पतीले में स्टैंड रख के ना उस पर रख के भी आप बेक कर सकते हैं अगर आपके पास ओवन नहीं है तो। यार कोई काम मुश्किल नहीं होता, हर चीज़ आसान हो जाती है, हर चीज़ का दूसरा तरीका भी होता है, एक आसान तरीका भी होता है, ज़रूरी नहीं है कोई चीज़ आपके पास हमारे पास ओवन है या कुछ है तभी बनाएंगे। हाथों से थोड़ा शेप दे लें कि बीच बीच में हमें अपनी टॉपिंग करनी है, थोड़ा मैंने फोक से निशान कर दिए थे ताकि हमारी डो ना ज़रा फूल ना जाए। अब इसको मैंने तवे पर डाल दिया, तवे पर ना मैंने पहले तवे को फ्री हीट कर लिया था, फिर बिल्कुल लो फ्लेम पर ना हम अपने जो हमारी ये डो है ना पिज़्ज़े की इसको हम सेक लेंगे अच्छे तरीके से, और फिर जब हम इसको जब इस पर हम टॉपिंग वगैरह करेंगे तो हम बिल्कुल लो फ्लेम पे करेंगे, ताकि आप देखें जो जिस पे कलर अच्छा आया वो मैंने ऊपर साइड रखा है, जिस पे बिल्कुल कलर नहीं आया वो जो पकेगा वो मैंने नीचे साइड रखी है, ताकि ऐसा जब हमारी हम इस पर टॉपिंग वगैरह करेंगे ना जब हमारा पकेगी हमारी चीज़ वगैरह तो वो नीचे से अच्छा कलर आ जाएगा उस पर सुर्ख। अब सबसे पहले मैंने इसमें पिज़्ज़ा सॉस लगा दिया है, उसके बाद अपनी चीज़ इस पर स्प्रेड कर दें आप, और फिर उसके बाद जो हमने चिकन अपना बना के रखा था ना जिसमें हमारी शिमला मिर्चें और प्याज है वो लगा दिए, साथ में अपनी टमाटर की टॉपिंग लगा दिए, टमाटर को अच्छे से लगा दें, उसके बाद फिर हम दोबारा चीज़ इस पर लगाएंगे और फिर अपने हम जो इसमें जो हमारे ऑलिव्स वगैरह हैं वो लगा दें। मेरे पास रखे हुए थे क्योंकि आपको पता है मैंने पहले कुकिंग बहुत ज़्यादा करती थी और वैसे ही मैं घर में बनाती रहती हूँ अपनी बेटी के लिए, और इंशाल्लाह जो है स्कूल जाने लगेगी तो आप देखिएगा उसके लंच बॉक्स में कितने ज़बरदस्त उसको चीज़ें बना के दिया करूँगी, जिंगर बर्गर रोल पिज़्ज़ा हर चीज़ मैं अपने घर में खुद अपने हाथ से बना के दिया करूँगी इंशाल्लाह। अब सब पिज़्ज़े लगा के ना इसको मैंने छोड़ दिया है। मेरा काका नींबू का लाए छोला है मेरा बेटा छोड़ा लाया हुआ मैंने, जोहा सो रही है अभी वहाँ पर, किचन भी मेरा पूरा क्लीन हो गया, सारा काम मैं कर चुकी हूँ, बस हस्बैंड का वेट है खाली। जोहा अपना बलून, ये बलून हम गए थे नहीं मार्केट जोहा वहाँ से लेकर आएंगे। पिज्जा बन चुका है, बस आपका यम आपका छोटा वाला बनाया है, पापा का और मम्मा का बड़ा वाला है, लेकिन पापा आ जाए फिर मम्मा निकालेंगी, ठीक है ना। ये जोहा जब हम लोग भी गए थे ना कैसा लगता है, अच्छा मुझे बहुत डर लगता है, एक दफा मेरी आंख में फट गया था ये।
पता है आपको, अभी जब हम जा रहे थे ना, हम लोग माँ सईद से निकल लेते तो वो अंकल बेच रहे थे जोहा के लिए, मम्मा मुझे चाहिए, इसको इतने बलून दिलाते हैं लेकिन अभी ये थोड़ी देर में फट जाएगा, है ना? नहीं फटेगा, नहीं फटेगा, खेलेंगी। अगर एक एक सुबह ही चल गया ना, आपने मुझे मेक असली वाला मेकअप सेट दिलाना है। ठीक है, मैं दिलाऊंगी असली वाला। अगर ये सुबह तक बज गया। ओके ओके, जोहा की बर्थडे भी आने वाली है जनवरी में, 2 महीने रहेगा जोहा की बर्थडे में ना, क्योंकि अभी अक्टूबर खत्म, नवंबर शुरू, दिसंबर है और जनवरी में जोहा की बर्थडे आती है। वाह, सबसे पहले जनवरी, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, बस इतने दिन। चलो चलो, उठाओ बलून, उठा लो बलून, उठा लो। पापी पिज्जा आ रहा है, और ये जोहा, ये पापा लेकर आए ना, इसके अंदर क्या था, क्या है इसके अंदर? इसके अंदर कैंडी है। कैंडी है इसके अंदर? इसके अंदर बंटी है, ऐसे हमें। हाँ, ये देखो चोको ब्रस्ट, ये जोहा के पापा लेकर आए, एक और इसे हम स्कूल में छुपा के लेके जा सकते हैं, क्योंकि ये पेन की तरह दिखता है। पेन की तरह दिखता है। चलो आप बैठो, मामा आपके लिए मिनी पिज्जा लेके आ रही है, ठीक है? आ जाओ, दस्तखान लगाओ, लाइट ऑन करो, दस्तखान लगाओ। वाह, चलो जी, ये तो हमारा रेडी हो गया है, कितना यम्मी लग रहा है ना दिखने में, माशाल्लाह से। हाँ, और ये जोहा का भी रेडी हो गया है। इसको निकालते हैं जरा, देखा जिसके घर में अगर वो नहीं है ना ओवन, वो ऐसे भी बना सकता है, कितना मजे का पिज्जा बना है। अभी एक इसको यहाँ रखते हैं इसको, और दूसरी प्लेट निकालते हैं जोहा के लिए, और जोहा को देते हैं छोटा पिज्जा, ये वाला जोहा का पिज्जा है, क्योंकि जोहा बोलती है मुझे तो छोटा पिज्जा चाहिए। अब ये जोहा का छोटा और स्पेशल फरमाइश तो काके की है ना जी, ये काके की फरमाइश तो बना है, दोनों पिज्जे हो गए। चलो जी चलो, ये आ गया है हमारा, आ जाओ जोहा पी, छोटा सा मिनू मिनू पिज्जा आ गया, मिनू मिनू पिज्जा, ये देखो कितना मजे का है, ऐसे बिछाओ भाई, ऐसे चीजी चीजी हो रहा है ना, देख रही हो जोहा, जब स्कूल जाया करेंगे ना फिर मैं आपके लिए ऐसा बना के दिया करूंगी, ठीक है? वाह भाई वाह, ये देखो जी, ये देखो, ओहो जबरदस्त जी, जबरदस्त क्या पिज्जा बना है। ओके, जोहा तो खाना शुरू कर रही है अपना यमी यमी सा पिज्जा, मम्मा भी यहाँ पे स्टार्ट कर रही है अपना यमी सा पिज्जा, और यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक भी आ गई है, आप खा के बताएंगे कैसा बना है। और मुझे ना मम्मा पापा दे रहे नहीं है, जब देंगे, जब मैं पूरा फिनिश कर दूंगी। हाँ, जब आप ये पूरा फिनिश करेंगे तब आपको कोल्ड ड्रिंक मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी, ठीक है? कैसा बना है? जबरदस्त, हाँ तो गर्म तो हाथ और मुंह दोनों जल गए। देखो ऐसे खाएंगे, ऐसे करके ना यूं रखना इसको, ऐसे इसमें लगाओ, ये देखो ऐसे करके, ऐसे ऐसे मैं खा के दिखाती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे मिर्ची, मुझे पसंद है। हम लोग कहते हैं अपना पिज्जा जो है आप लोग ही बनाइएगा, घर में आसानी से बनता है, मैं जरा पिज्जा खाऊं, मतलब बहुत भूख लग रही है। जी अभी हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा सा दुकान पे जाएंगे, थोड़ा सामान पूछ कर आएंगे, ये वॉश बेसन वगैरह और ये जो फ्लश वगैरह होता है इसका थोड़ा सा पता करेंगे क्या क्या किस हिसाब से मिल रहा है, दरवाज़ों का थोड़ा एस्टिमेट लेने जा रहे हैं, और थोड़ा घर की तरफ भी जाएंगे कि कहाँ कितना काम हुआ है, कितना काम कहाँ तक पहुँचा है। वहाँ पे जा रहे हैं पहले प्लाट की तरफ, और जोहा को तो मैंने रेडी कर दिया, जोहा बूम पे जाके बैठ गई है। जोहा को मैंने आज पिंक टॉप पहनाया है, जोहा का पिंक टॉप फेवरेट है, और जीन्स पहनाई है मैंने। क्या भर लिया जीन्स में, ये क्या है? ये बाबा मेरी है। घूम गया बाबा लेकर आए, ये है क्या वैसे? शॉपनर है, अंदर शॉपनर है। ये कैसा शॉपनर है? बड़ा प्यारा सा शॉपनर, दिखा। 100 रुपीज का मैंने लिया, 100 रुपीज का शॉपनर लिया है बाबा जोहा के लिए। चलो मैं अंदर तो घूम जाएगा, ठीक है? हाँ मैं बंद कर दूंगी, ये देखो कर दिया। चलें जी अब चलते हैं, जरा पहले प्लाट पे जाएंगे, फिर वहाँ से शॉप पे जाएंगे, दुकानों पे, और वहाँ पे जाके एस्टिमेट लेंगे क्या क्या सामान हमें चाहिए। तो जब आपने आइडिया रहेगा ना कि इतने का सामान इतने का मिल रहा है, तो फिर जब सामान खरीदेंगे तो फिर आपके साथ भी शेयर करेंगे इंशाल्लाह। बस दुआ करें अल्लाह पाक हर सारा काम आसान कर दे मेरे मौला। चले बनना शुरू हो गया माशाल्लाह से मेरा प्लाट, और अपने प्लाट के सामने ही खड़ी हुई, इतनी खुशी हो रही है, अल्लाह पाक जल्दी जल्दी बन जाए। और मुझे काफ़ी लोग बोल रहे थे कि आप ही आपने किस एरिया में घर ले लिया, और एक तो एक ही कमरे का प्लाट है, तो भाई मेरे लिए एक कमरे का प्लाट ना मेरे लिए ये बहुत हज़ारों गज से बड़ा है, क्योंकि ये मेरा अपना है। मैं कहती हूँ अपनी झुग्गी भी हो ना वो अपनी है, वो आपकी अपनी है, कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि उठो भाई, तो आपकी झुग्गी भी हो ना वो अपनी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो जितने शुक्राने के नफिल अदा करूँ वो कम है, जितने सजदे करूँ अल्लाह के आगे उतने कम है, कि अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी में ही मुझे सर छुपाने की जगह दी है।
जी अभी हम लोग जा रहे हैं, बस अब हम टंकी का पता करेंगे, जो ब्लू टंकी होती है पानी की, उसका पता करने जा रहे हैं और मोटर का पता करने जा रहे हैं कि वो हमें कहाँ से सस्ती मिलेगी, और दो तीन चीज़ों का और कंफर्म करते हैं, एस्टिमेट लेते हैं हर जगह से। ओके जी, अभी यहाँ पर हम लोग दुकान पर आए थे फ्लश वगैरह डब्ल्यूसी वगैरह देखने के लिए, वॉश बेसन वगैरह यहाँ से मैंने देखे थे और पसंद भी आए थे, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेट ना इनके हाई थे, तो हस्बैंड ने कहा कि मैं आपको ना इसका जो होलसेलर है ना, बड़ी दुकानें जो होती है वहाँ लेके जाऊँगा, तो एक साथ ही हम इकट्ठा सामान ले आएंगे, इंशाल्लाह कल जाएंगे तो आप लोग साथ भी शेयर करेंगे। और इसके बाद में मैंने हम टंकी वगैरह ही पता की थी, तो वो भी हमें बहुत महंगी मिल रही थी, तो फिर इंशाल्लाह कल जाएंगे, एक दफ़ा ही सारा सामान हम इकट्ठा लेकर आएंगे इंशाल्लाह, जो चीज़ भी लाएंगे आपके साथ शेयर करेंगे। और आप लोगों से एक बात भी करनी थी कि कुछ लोग होते हैं ना, ये मैं बोलूँगी, जो हमें हेट करते हैं, जो हमें पसंद नहीं करते, तो वो उनकी बातें कुछ इस तरह की होती हैं। मुझे दो तीन, एक ही बंदी है, दो तीन लोग हैं जो अक्सर में ये इस तरह के कमेंट्स करते हैं, तो मैं उनको ब्लॉग पर रखा हुआ है मैंने उनको, तो कहते हैं कि आप एक कमरे के घर में, एक ही कमरे का घर है बेचारी के पास, एक ही कमरे का प्लॉट ले पाई, तो देखिए मैं आपकी थिंकिंग को सलाम करती हूँ, ये आपकी सोच है, लेकिन मुझे, मैं ये समझती हूँ कि एक कमरा है, दो कमरा है, एक गज़ है, हज़ार गज़ है, कम से कम मेरा अपना तो है, और मैं इंशाल्लाह उसको ही जन्नत बना दूँगी इंशाल्लाह। आप लोग देखते जाइएगा, जितना है, कम है, ज़्यादा है, थोड़ा है, उस पर शुक्र अदा करना चाहिए। बस इतना ही कहूँगी आप लोग के लिए, और आप लोग सबसे ये कहूँगी दुआओं में याद रखिएगा, और बस घर की जब सेटिंग करेंगे, जब बन जाएगा इंशाल्लाह, तो उसकी सेटिंग भी आपके साथ सारी शेयर करूँगी, और आप देखते रहिएगा मैं एक छोटे से घर को भी अपने कितना खूबसूरत बना दूँगी इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा, जोहा भी हमारे साथ रह रह के थक गई थी, बस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़ जी, अल्लाह हाफिज़।